तो आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले में हम बात करेंगे रेफरेंसेस फॉर्मूले की, कि किस तरह से हम रेफरेंसेस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने आपको एक लोकेशन दिया है रो एंड कॉलम नंबर में, कि रो नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 8। तो रो नंबर 6 और कॉलम नंबर 8 का एड्रेस क्या होगा, मतलब कि 6 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि H6 क्या? तो ये जो H6 है कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एड्रेस का। अरे एड्रेस इसका में थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाएगा, ये दिख नहीं रहा क्या नहीं दिख रहा है आपको? है ये एक्सेल, यहां से बड़ा नहीं हो जाएगा ये बड़ा। तो डबल क्लिक करके फुल स्क्रीन कीजिए ना। मेरे तरफ से होगा कि आप? अच्छा ठीक है सर, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कीजिए ना उसको आप। हो गया बड़ा? हो गया। मैं सोचा आपकी तरफ से होगा ये। तो हम क्या बोल रहे थे आपको, कि मेरे पास रो एंड कॉलम है और यहाँ पे 6 और 8 आपको दिख रहा है। तो 6 नंबर रो और 8 नंबर कॉलम का एड्रेस क्या होगा, जो कि H6 होना चाहिए। तो H6 निकालेंगे कैसे, इसके लिए हमारे पास एक्सेल में होता है एड्रेस का फॉर्मूला। अब एड्रेस फॉर्मूला को इसको सेलेक्ट किए, कॉमा हमने कॉलम नंबर को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे आ गया H6। आगे से H6। अब H6 में मान लीजिए कोई वैल्यू डली हुई है, जैसे 500 डली है, तो मुझे इसकी एड्रेस को पता करने से क्या फायदा? हमें तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ना सर, H6 के ऊपर टाइप क्या है। तो इसके लिए यहां हम फॉर्मा लगाएंगे एड्रेस का, सॉरी इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो देखिए आपके सामने 500 आ गया। अब इनडायरेक्ट करता क्या है, जैसे कि A1 पे मैंने यहाँ पे 50 टाइप कर दिया हुआ, राइट, और इक्वल हम यहाँ A1 करेंगे तो A1 पे रेफरेंस कर लेगा। लेकिन किसी सेल पे हमने A1 किया, हम चाहते हैं कि जब इसको सेलेक्ट करे तो कंप्यूटर जो है इस A1 को रेफरेंस में लेके A1 का जो यहाँ वैल्यू है ना वो हमें दे दे। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ए B5 को रेफर करेगा और B5 का एड्रेस देगा, और B5 पे क्या टाइप है, वैल्यू है, टेक्स्ट है, क्या है, इस चीज को कोई लेना देना नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला समझाएगा कि B5 पे दी गई A1 एक्चुअली में कोई नाम या कोई टेक्स्ट नहीं है, वो आपके रेफरेंस A1 का है, उसको कैरी करो, तो यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रवीण जी, मुझे आप समझाइए कि आपने एड्रेस का फॉर्मूला और इनडायरेक्ट का फॉर्मूला समझ गए? हेलो, समझ गए सर, लेकिन ये एरर ये वाला क्यों आया H6 में, ये डॉलर का निशान? सर, एड्रेस एक्सेल के अंदर एड्रेस डॉलर होता है ना, सिर्फ ऐसे ही होता है ना H6। आप लोग आप जब लिखते हैं यहाँ पे इक्वल H6 करते हैं, तो इस तरह का बोलेंगे आप, इस तरह का आता है। लेकिन जब इस पे आप डॉलर का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, सॉरी, तो क्या आता है, इस तरह का आता है ना सर। ये तो डॉलर डिफॉल्ट डॉलर ही देता है, आप चाहते हैं कि डॉलर ना आए तो इसमें कॉमा कीजिए, अब्सोल्यूट आ रहा है ना, तो यहाँ पर रिलेटिव कर दीजिए, अब्सोल्यूट हटा दीजिए। अब नहीं आया सर, नहीं है, ठीक है सर। समझ गए? अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इसका तो बेनिफिट, सर बेसिकली ये जो फॉर्मूला बताइए, इनका यूज हम कहाँ करते हाँ हैं? वही मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसका बेनिफिट क्या है। तो आपको एक एग्जाम्पल देंगे, उसमें आपको इसका बेनिफिट पता चल जाएगा। मेरे पास एक नाम, मैं यहां पे दे देता हूं, कोई एक डेटा है, ठीक है, और मंथ वाइज सेल है, डेटा है और साथ में हमारे पास मंथ वाइज सेल है, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। मंथ वाइज सेल आ गई, अब मान लीजिए कि मुझे यहां पे पता करना है कि ओम का क्वार्टर वन का सेल क्या है,
अब प्रॉब्लम है कि वन का क्वार्टर वन का मतलब कि मुझे ये तीनों का सम करना है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है सर, सिर्फ ओम के यहाँ ये चाहिए 43 चाहिए तो निकल जाएगा, या ओम यहाँ रो में दो बार रिपीटेड है तो दोनों का सम करके सम की फॉर्मूला दे देगा। लेकिन एक रेफरेंस में लेके तीन कॉलम का है जो एड्रेस है वो देना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लेफ्ट का राइट का फॉर्मूला लगाया और ए वन अलग कर लिया, कर लिया सर। अब क्वार्टर वन होगा तो यहाँ वन आएगा, क्वार्टर टू होगा तो क्वार्टर टू आएगा। अब मुझे इस वन एंड टू को रेफरेंस के लेते हुए मुझे हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ चाहिए। जो वन है तो यहाँ पे जैन चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वार्टर टू कर दिया तो क्वार्टर टू का क्या होता है, अप्रैल होता है ना फर्स्ट मंथ, अप्रैल चाहिए। क्वार्टर थ्री कर दिया तो क्वार्टर थ्री क्या होता है सर, अगस्त होता है, जुलाई होता है ना, जुलाई आना चाहिए। तो इस काम के लिए हम इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल इफ ए इक्वल टू वन है तो जैन क्वार्टर सेकेंड होगा ना, क्या जुलाई तो क्वार्टर सेकेंड होगा ना, हाँ नहीं क्वार्टर थ्री आया होता है सितंबर, नहीं नहीं जुलाई आएगा ना, तो जुलाई तो सेकेंड क्वार्टर आएगा ना, नहीं थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर जैन का मार्च, सेकेंड क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून, जैन फेब मार्च होता है फोर्थ क्वार्टर होता है, क्या जैन फेब मार्च तो फोर्थ क्वार्टर होता है ना, तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है ना, हम कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है। आप इसके पीछे का लॉजिक नहीं कंसेप्ट को समझिए, समझ गए ना जी जी। तो ये आपका इक्वल टू जैन, फिर वापस हम इफ लगाएंगे इक्वल टू वन इक्वल टू आया तो ये करेंगे अप्रैल करेंगे। उससे बेटर है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है चूज का, क्या होता है फॉर्मूला, अब यहाँ एक नया फॉर्मूला सीख रहे हैं, चूज फॉर्मूला, ठीक है। अब चूज फॉर्मूले में मैंने सिर्फ इंडेक्स नंबर दे दिया और यहाँ पे आप सारे क्वार्टर का दे दीजिए कि जैन, इसके बाद यहाँ पे दे दीजिए अप्रैल, फिर दे दीजिए यहाँ पे जुलाई, फिर यहाँ पे दे दीजिए आप सितंबर, अक्टूबर सॉरी। तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ वन हुआ तो जैन को शो करेगा, टू हुआ तो फैब को शो करेगा, थ्री हुआ तो जुलाई को शो करेगा, फोर हुआ तो अक्टूबर। मतलब कि चूज फॉर्मूले कंडीशन को नहीं लेता है और नंबरिंग के अकॉर्डिंग फीस की वैल्यू जो है उसके सिक्वेंस को लेता है, उस हिसाब से अलग यहाँ पे शो करता है। तो प्रवीण जी चूज फॉर्मूला समझ में आ गया, तो यहाँ पे क्वार्टर वन होगा तो ऑटोमेटिक जैन आ जाएगा, क्वार्टर टू होने पे यहाँ पे अप्रैल आ जाएगा, क्वार्टर थ्री होने पे आपका यहाँ पे जुलाई आ जाएगा और क्वार्टर फोर होने पे यहाँ पे अक्टूबर आ जाएगा। क्लियर है सर जी? सर अब मुझे क्या करना है, दो चीजें चाहिए कि जैन किस कॉलम में आ रहा है और ओम किस रो में आ रहा है, ठीक है, ताकि मुझे रो कॉलम नंबर और रो नंबर मिल जाए तो हम एड्रेस बना सकते हैं। जब एड्रेस बन जाएगा तो इनडायरेक्ट से उसको वैल्यू ला सकते हैं, समझे। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होता है मैच का, क्या होता है मैच फॉर्मूला। मैच फॉर्मूले में हमने सिलेक्ट कर लिया पहली रो को, लुकअप वैल्यू को, और हमने डेटा सिलेक्ट करके कॉमा जीरो कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, किसने बताया कि ओम सातवें नंबर रो पे है, यहां से इसने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखिएगा जो ये रो नंबर सात आ रहा है ना, इससे कोई लेना देना नहीं, सीक्वेंस में लिखता है सात। ओके ओके। और फिर वापस हमने मैच लगाया और मैच फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है, रो कॉलम दोनों में चलता है। तो यहाँ पे कॉलन में हमने क्या किया कि जैन को लुकअप किया, तो इसने बताया कि पहला और दूसरे पर आता है। तो हमें इसके तरह आर और सी 6 और 8 था ना, इसी तरह से हमारे पास 7 और 2 आ गया। आ गया सर।
अब मैं यहाँ पे एट दिस फॉर्मा लगाऊंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा रो नंबर में, कॉल नंबर में सिलेक्ट करूंगा तो आ जाएगा B7। क्या आ गया? B7। एक बार और एट दिस लगाऊंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा 7 और कॉलम नंबर को कर दूंगा +2, क्योंकि क्वार्टर 3 महीने का होता है, इसे +2 कर दूंगा तो एंड आ जाएगा B7। मतलब कि ओम जो है B7 से लेके D7 तक है, समझे? समझ में आया आपको कि नहीं प्रवीण जी? आए सर। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो रेफरेंस कुछ इस तरह से देते हैं ना, B7 से D7 इस तरह से देते हैं, लेकिन ये तो अलग अलग आ गया ना। तो अगर मैं सम फॉर्मूले के अंदर, अगर सम फॉर्मूले के अंदर मैंने अगर B7 कॉमा D7 दे दिया तो B से D थोड़ी चलेगा, ये तो B और D दोनों का टोटल दिखा देगा, तीनों का टोटल दिखाया नहीं आपको, ये 169 होना चाहिए ना सर। तो यहाँ पे हम कॉन्केट कर लेते हैं कि हमने B7 को &% और हमने क्या कर दिया सेमी कॉलन, फिर &% हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया तो B7 से D7 आ गया ना सर। अब मैं इक्वल सम में क्या इसको सिलेक्ट करूं तो रिजल्ट आएगा सर? क्या बोला प्रवीण जी, रिजल्ट आएगा? आएगा ना सर? नहीं आएगा। क्योंकि तो एक्सेल में यहाँ पे जब मैं बताया था तो मैंने बोला कि मैंने इक्वल अगर A1 करूंगा तो क्या A1 का रिजल्ट आएगा? अभी आ जाएगा ना सर। लेकिन यही A1 यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं बोलूं कि सम A1 तो क्या सम करेगा इसका? इसने B5 को सम किया ना, B5 पे जो A1 है उससे लेके फिर A1 पे थोड़ी जाएगा, क्योंकि तो करेक्टर हो जाएगा ना। इसी चीज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला बताया था ना सर? इनडायरेक्ट, हाँ जी। तो इनडायरेक्ट जब तक इसमें इनडायरेक्ट न लगाएंगे तो रिजल्ट थोड़ी आएगा। तो E15 जिसके अंदर हमारा रेफरेंस दिया हुआ है उसको हमें देना होगा इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर। अब रिजल्ट आ गया 169, समझे जी सर? जी क्लियर है जी सर। इसमें एक डाउट है, ये जो फॉर्मूला अब बताए जैसे ऊपर में क्वार्टर वन में, ये नहीं नीचे, नहीं मैं दोबारा समझाता हूँ, समझिए। हाँ, क्वार्टर वन, एक मिनट, क्या होता है, एक मिनट, क्वार्टर वन है जी, राइट का फॉर्मूला इसमें से नंबर को अलग करेगा 1 2 3 को, ओके, अलग किया। चूज का फॉर्मूला इस 1 2 को Jan-Feb में कन्वर्ट करेगा, ओके। मैच का फॉर्मूला बताएगा कि जनवरी कितने नंबर कॉलन पे है और पूजा कितने नंबर रो पे है, ओके। फिर एड्रेस फॉर्मूला क्या करेगा, इन दोनों का एड्रेस बनाएगा किस एड्रेस पे है, ओके। फिर एड्रेस फॉर्मूला अगेन लगाऊंगा, इस बार कॉलम में 2 कर दूंगा ताकि मुझे एंडिंग एड्रेस पता चल जाए, ओके। रो सेम रहेगा। फिर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया ताकि एक एड्रेस, एक जो फॉर्मूला में एड्रेस देते हैं ना उस तरह से बन जाए, पर प्रॉब्लम है कि सम इसको डायरेक्टली लेगा नहीं तो हमें इनडायरेक्ट लगाना होगा ताकि सम इसको इनडायरेक्टली ले और यहाँ पे रिजल्ट देगा 1 3, ओके, समझ गए जी। अब आपको फॉर्मूला मर्जिंग मेथड जो शायद याद होगा आपको, उस मेथड को यूज करते हुए इस फॉर्मूले को आपको एक सिंगल सेल में करना है, समझे? कंबाइन ऑल फॉर्मूला इन वन सेल, क्लियर है? अभी फाइल में आपको भेज रहा हूं, वो आप यहां पे मुझे बताए करके। ठीक है सर? ठीक है। तो ये फॉर्मूला को एक शीट में बनाना है सर?